हेलो बच्चों, आप सबकी कक्षा 9 की परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब सब लोग कक्षा 10 में आ चुके हो। चलिए, कक्षा 9 जैसे गया वैसे गया, तो अब सब लोग मिल करके एक साथ कक्षा 10 की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 का आज लेसन है लेसन 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद देखो, ये बहुपद पहले समझते हैं कि बहुपद है क्या। ये देखो, बहुपद दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है बहु और दूसरा होता है पद। बहु मतलब होता है बहुत, बहु मतलब क्या होता है बहुत सारे, और दूसरा होता है पद। पद मतलब हमारे जैसे कि पद लिखते हैं, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1, 2, 3, ये पद हो गए। ठीक है, कि दो अक्षर से मिलकर बनता है एक बहु, बहु बहु और एक पद। बहु मतलब हो गया बहुत और एक पद मतलब हो गया पद। अब जैसे कि लिख दिया 2x+3, हमने ये लिख दिया। अब देखो, इस नाम के अनुसार समझो ये बहुपद है कि नहीं। बहुपद बोला है बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें बहुत सारे पद हों वही बहुपद कहलाता है। तो अब देखो, इसमें दो पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद हो गए। इसमें एक पद देखो हो गया 2x, एक पद हो गया 3, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया जिसमें बहुत सारे पद हों। एक जैसे लिख दिया कि 4y+3, और इसके आगे और कुछ लिख देते हैं या तो रहने दो। 4y+3 ये हमारा एक बहुपद है कि नहीं है। ये भी एक बहुपद है जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें बहुत सारे पद हों बहुपद है। सिंपल सी बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये बहुपद बनता कैसे है, बहुपद में होता क्या क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो आगे देखते हैं। पहले देखिए बहुपद बनता किससे किससे। तो देखो, बहुपद में जैसे हमारा एग्जाम्पल लिखे थे 2x+3, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, तो इस 2 में देखिए जो नंबर्स होते हैं, ये देखो यहाँ पर 2 और 3 है ना, ये जो नंबर है इन नंबर्स को हम बोला करते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। और ये जो x है इसको बोलते हैं चर। देखो, इनपे कंफ्यूज नहीं होना, एक बात ध्यान रखना। जैसे कई बार देखे होंगे कि कोई चीज है, आप लोग के कई दोस्त होंगे, आप देखते हो कि पहले जब LKG में पढ़ते थे तब भी उसका बिहेव वैसे ही था, जब आप लोग कक्षा 3 में पहुंच गए तब भी उसका बिहेव वैसे ही था, अब कक्षा 10 में पहुंच गए, 9 में पहुंच गए, तब भी उसका बिहेव वैसा ही बर्ताव कर रहा है। वो बदलने वाला नहीं है, वो बदल नहीं रहा है। और दूसरे दोस्त होते हैं जो कि आज देखोगे तो काम है तो काम में अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सब साथ देंगे, लेकिन जिस दिन नहीं है तो साथ नहीं देगा, वो बदल जाता है। देखोगे कई लोग होते हैं, तो जो कभी ना बदले, जो दोस्त होते हैं जो कभी नहीं बदल रहे हैं उन्हें हम बोल देते हैं अचर, जो कभी नहीं बदलते हैं। और जो बदल जाए, समय समय पर बदलते रहे, उन्हें बोलते हैं हम चर। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखो। जैसे अचर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, अचर हमारे जितने भी नंबर हैं, एक से लेकर के जहां तक के पढ़े, जहां जितने भी नंबर हैं सब अचर हैं, क्योंकि अचर कभी बदलता नहीं है। जैसे कभी देखे हो कि कहीं लिखा हो 1 रुपए, का कभी बोलते हो कि यार 1 रुपए है, चलो तुम 1 को मान लो 1 रुपए = 3 रुपए, कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। कभी 1 रुपए है तो 1 रुपए ही रहेगा, उसको 3 रुपए नहीं कह सकते। यानी ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, एक वैल्यू क्या है, फिक्स है। और तो जितने भी नंबर हो गए ये सभी नंबर फिक्स है, ये चेंज नहीं होते हैं। जो नंबर चेंज नहीं होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अचर। बात समझ आई? और दूसरी जो चीज है जिसे चर कहते हैं, अब चर क्या है, जैसे अभी पिछली क्लासों में सॉल्व किए होंगे, जैसे एक्स है, कोई क्वेश्चन नंबर अगर मान लेते हैं 1 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू आ रही थी 1। अच्छा, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़ गए, वहां पर x की वैल्यू आ रही है 3, और अगला क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें x की वैल्यू आ रही है 4। कहीं पे देखो सेम नहीं है, यहाँ x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ x की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ x की वैल्यू 4 आ रही है, कहीं कुछ सेम, कुछ मतलब फिक्स ही नहीं आ रही, सब बदल रही है, अलग अलग आ रही है वैल्यू।
तो जब वैल्यू बार बार चेंज हो, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, ऐसे वाई में भी देखे होंगे, कभी भी वाई की वैल्यू कहीं एक आ जाती है, कहीं वाई की वैल्यू फोर आ जाती है, कहीं वाई की वैल्यू टेन आ जाती है। तो यहां भी देखो कुछ फिक्स नहीं है, ये भी चेंज होता जा रहा है ना। तो जब जब जिसकी वैल्यू कभी फिक्स ना रहे, बार बार चेंज हो, उनको हम कहेंगे अचर। तो फिर चर, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे उन्हें हम कहेंगे चर, और जिनकी वैल्यू कभी भी ना चेंज हो, फिक्स हो, जो ऐसे दोस्त जो हमारे कभी नहीं बदलते हैं, हमेशा वैसे ही रहते हैं, उनको चर अचर कहते हैं, और जो दोस्त बदल जाए उन्हें चर कहते हैं। जितनी भी हमारी गिनती है, अगर एग्जाम्पल देखें, जितनी भी गिनती पढ़ते हो वो सब अचर है, और जितने भी एबीसीडी पढ़ते हो, ए टू जेड, जितनी भी एबीसीडी पढ़ते हो वो सब चर है, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती है, बदल जाती है। बात समझ में आई? अच्छा चलो, बहुपद में देखो चर अचर तो हो गया, बहुपद चर अचर से मिलकर बनता है। अच्छा बहुपद देखो होते कितनी तरह के हैं, बहुपद होते कितनी तरह के हैं, बहुपद देखो, बहुपद देखो, पहला तो बहुपद होता है एक पद, पहला बहुपद होता है एक पदी बहुपद। एक पदी क्या है देखो, एक पदी एक, एक मतलब एक सिंगल एक, और पदी मतलब पद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे हमने लिख दिया 3x, देखो नाम में दिया गया है एक पदी, एक एक मतलब एक, सिंगल मतलब अकेला, पदी मतलब पद जिसमें एक पद हो, कितना हो जिसमें एक पद हो वो एक पदी है, जैसे कि हमने लिख दिया 3x, ये एक पदी हो गया, और लिख देते हैं 5y, ये भी एक पदी है क्योंकि एक पद है इनमें। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, इन पदों को अलग करने के लिए, जैसे हमने लिखा 3x ये एक पदी है, 5y ये भी एक पदी है, लेकिन अगर हम लिख दें कि 3x + 4, क्या ये एक पदी है? ये एक पदी नहीं होगा, एक पदी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक पद हो गया 3x, एक पद हो गया 4, ये दो पदी में गिना जाएगा। और जो पद अलग करता है ना, देखो पद या तो प्लस को प्लस अलग करेगा या तो माइनस अलग करेगा। अगर हम लिख दें 3x, देखो एक हो गया 3, एक हो गया x, इसको हम दो पदी नहीं बोलेंगे, 3x इसको हम दो पदी नहीं बोलेंगे, इसको हम एक पदी बोलेंगे, क्योंकि जो पदों को अलग करता है वो प्लस माइनस अलग किया करता है, ये इंटू नहीं अलग करता है। हम 3x लिख दें, ये दो पदी नहीं होगा, ये हमारा एक पदी होगा, ठीक है, ये एक पदी होगा। गुणे का चिन्ह पदों को अलग नहीं करता है, पदों को अलग करने का काम प्लस और माइनस करता है, जहां पे प्लस माइनस लग जाए समझ लो वहां से हमारा पद अलग हो रहा है। इसी में जैसे कि यही लिखा था 3x + 5, यहां से देखो ये तो प्लस लगा है ना, यहां से ही हमारा पद अलग हो रहा है, ये गिना जाएगा एक पद और ये गिना जाएगा एक पद, इंटू जहां पे लगा हो, देखो यहाँ पे गुणा लगा है, ये पूरा एक एक साथ पढ़ा जाएगा, अलग अलग नहीं है। बात समझ में आई? तो एक पदी क्या होते हैं? जिनमें एक पद, 3x लिख दिए, 5y लिख दिए, और भी एक्सेट्रा बहुत लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक पदी जिनमें एक पद होता है। दूसरा आता है द्विपद, द्विपदी या द्विपद बोलते हैं, या द्विपदी भी बोल देते हैं। अच्छा द्विपदी क्या है? द्वि मतलब दो, पदी मतलब पद, जिनमें दो पद हो, जैसे कि 6x + 5, कितने पद है इसमें? देखो एक पद हो गया 6x, एक हो गया 5, दो पद हुए, फिर दो पदी हो गया। अच्छा जैसे हो गया 7x + 4, ये कितने पदी है? ये भी दो पदी है। तो भैया जिनमें दो पद होते हैं वो द्विपदी हो गया, जिनमें एक पद होता है वो एक पदी हो गया। और अब आता है त्रिपद, त्रिपद, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब क्या हो गया? तीन, पद, पद मतलब पद, जिसमें तीन पद हो, जिसमें कितने पद हो? जिसमें तीन पद हो, जैसे हमने लिख दिया 2x² + 4x + 5,
कितने पद है गिन लो, एक पद हो गया हमारा 2x2, एक पद हो गया 4x, एक पद हो गया 5, एक दो तीन, तीन पद है, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये त्रिपद बहुपद हो गया। बात समझ में आई, जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी, ठीक है। अच्छा ये तो देखो पदों के आधार पर है, ये देखो तीन नाम बनाए ना, ये पदों के आधार पर है, ये पद के आधार पर है, ठीक है। और दूसरा हम पद को पद को बांटते हैं हाथ के हाथ नाम के आधार पर। देखो ये किसके आधार पर था अभी, पद के आधार पर, अब बहुपद के प्रकार हम देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर देखो पहला होता है रैखिक, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या है, हमने जैसे यहां पर कुछ बहुपद लिख देते हैं 3x+4, 3x2+4, 3x3+4, 5x+5, 5x+4 लिख दिया। देखो चार्ट लिखे, इन सब में एक अंतर दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। इसमें देखो x की घात, इसमें कुछ घात नहीं दिख रही है, इस पहले वाले में कोई घात नहीं दिख रही है, इसमें यहां पर देखो घात दो दिख रही है, यहां पर घात तीन दिख रही है, यहां पर एक है, यहां पर भी कोई घात नहीं है। देखो ना घात सबकी अलग अलग हो रही है, तो अगर सबकी घात अलग अलग हो रही है तो क्या ये सब नाम अलग अलग होंगे, क्या इन बहुपदों को अलग अलग नाम से जानेंगे, ये बात भी जरूरी है। हम कह सकते हैं देखो सिंपल अगर कहें, ये द्विपदी हो गया, ये द्विपदी हो गया, ये त्रिपद हो गया, ये भी द्विपद हो गया ना। लेकिन अगर हम घात के, अगर घात इनकी कम ज्यादा है तो फिर क्या कहें, फिर भी नाम बदलने चाहिए। तो देखो घात के आधार पर पहला नाम होता है रैखिक, रैखिक जिसकी घात, जिसकी घात एक हो। अब इसमें खोजो किसकी घात एक है। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि भैया इसकी तो कुछ घात नहीं है, इसकी भी कुछ घात नहीं है, है ना, इन दोनों की तो घात ही नहीं दिख रही है। तो सुने होके बोलते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसी तरह जिसकी कुछ घात नहीं होती है उसकी तो भैया एक घात होती ही होती है। जैसे जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, तो उसी तरह जिसकी कोई घात ना हो उसकी घात हमेशा एक होती है। कितनी होती है, एक। तो जिस, अब देखो रैखिक की हमारी पहचान क्या है, जिसकी घात एक हो, जिसकी कितनी घात हो, एक घात हो। तो देखो इसमें कितनी घात है, एक घात है, तो इसलिए ये हमारा एक रैखिक बहुपद हो गया। इसकी भी घात एक है, ये भी रैखिक बहुपद है। बात समझ में, जिसकी घात एक हो वह रैखिक बहुपद होता है। अच्छा दूसरा होता है रैखिक के अलावा द्विघाती, द्विघाती बहुपद। अब ये द्विघाती बहुपद क्या है, द्वि मतलब दो, घाती मतलब घात, द्वि मतलब दो, घाती मतलब घात। ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, ऐसा बहुपद जिसकी कितनी घात हो, दो घात हो। अब देखो इनमें से बड़ी घात क्या है, दो है ना। तो कोई अगर ऐसा बहुपद दिख जाए जिसके दो घात लगी हुई है, बड़ी घात, देखो दो से बड़ी घात ना वहां पे हो, ये बात भी ध्यान रखना है। अगर कभी हमको मिल जाए 4x2+3x3+4x+5 ये मिल जाए, अब कहो यहां पर देखो घात दो तो है, लेकिन देखो उसके अलावा घात तीन भी लगी हुई है ना, घात तीन भी है, तो इसे हम द्विघाती नहीं कहेंगे। जो बड़ी घात हो ना सबसे, उसको गिना जाता है। देखो घर में पावर उसी का चलता है तो सबसे बड़ा होता है, इसी तरह बहुपदों में भी घात उसी की देखी जाएगी जिसकी घात सबसे बड़ी हो। तो इसमें देखो अभी इसमें तो केवल सिंगल घात है, दो खाली इसी के पास घात है, दूसरे की बात ही नहीं होगी अब, क्योंकि केवल इसी के पास घात है। और कितनी है, दो, दो घात है। तो दो घात, जिसकी घात दो हो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं, हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, है ना। देखो इसकी दो घात है तो जिसकी भी घात दो हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, 9x2+7 घात दो है, द्विघाती बहुपद हो गया। लिख दो 5x2+3। अब बताओ ये द्विघाती है कि नहीं है, है, क्योंकि इसकी घात दो है। मैक्सिमम बड़ी से बड़ी घात
अगर दो है तो द्विघाती बहुपद है, बात समझ में आई। अच्छा अगला है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या है ये भी देखो नाम से समझो, त्रि मतलब तीन, घाती मतलब घात, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखो इसकी बड़ी से बड़ी घात क्या है, तीन है, यहाँ पर घात तीन है, यहाँ पर एक है, तो छोटे वाले को गिनना नहीं है, उसको बोल दो तुम भैया शांत रहो, बड़ी से बड़ी घात कौन है, तीन है, इसलिए कौन सा बहुपद हुआ, त्रिघाती बहुपद हो गया। आई बात समझ में, तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, घात के आधार पर तीन प्रकार के हमारे बहुपद होते हैं, बात समझ में आ गई सबके। अच्छा अब देखो, देखो चर भी हो गया, अचर भी समझ लिए, इसके बाद बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, फिर घात के आधार पर, इतना चीज समझ लिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमको कभी दे दे कि 5x⁻⁴ x + 3 ये दिया है, अब बोला है बताओ भैया ये बहुपद है कि नहीं है, हमको एक बहुपद दे दिया, बोला बहुपद है कि नहीं, हमको पहचानना है यार, देखने से तो लग रहा है कि देखो इसमें एक दो तीन पद हैं, घात भी लगी है, बहुपद तो देखने में लग रहा है, लेकिन बहुपद की भैया एक शर्त होती है, शर्त क्या है कि अगर किसी के घात, अगर किसी में किसी की घात ऋणात्मक है, क्या है, अगर किसी की घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है, घात जो भी है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, अगर किसी की घात ऋणात्मक है तो बहुपद की श्रेणी से बाहर हो जाता है, वो बहुपद नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है, ये बहुपद नहीं हो गया। बहुपद की शर्त है कि इनकी जो पावर है, जो घाते हैं, वो धनात्मक होनी चाहिए, कहीं पर ऋणात्मक ना हो, अगर ऋणात्मक हो गई तो बहुपद की श्रेणी से बाहर, उसको लात मार के निकाल देंगे, ठीक है, बोलेंगे भैया तुम जाओ घर, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक नाम और देखो, नाम तो बहुत आएंगे, शून्य, अभी तो मैच शुरू हुई है, देखो शून्य इसको बोलते हैं जीरो, जिस शून्य क्या है, हम एक वैल्यू रखते हैं, एक बहुपद रखते हैं 3x - 4, अब यहां पर इक्वल टू जीरो लगा देते हैं। अब यहां पर एक चीज बताओ, हम x की जगह पर ऐसा कुछ क्या नंबर रखें, x की जगह पर क्या नंबर रखें कि ये पूरा बहुपद हमारा जीरो हो जाए, x की जगह पर क्या नंबर रखें कि ये पूरा बहुपद हमारा जीरो हो जाए, तो चलो इसको x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x - 4 = 0, हम 4 को उधर पक्षांतर कर लेते हैं 4 को, तो हो जाएगा 3x - से उधर जाएगा तो हो गया प्लस, 3 को भी उधर पक्षांतर कर लो तो x बराबर 4, 3 देखो इधर गुणे में है तो उधर गया बटे में, 4/3, x की वैल्यू कितनी है 4/3, यानी x का ये मान 4/3 ऐसा मान है कि अगर इसमें रख दें, इस समीकरण में रख दें तो ये पूरे हमारे समीकरण की वैल्यू जीरो कर देगा, इस बहुपद का ऐसा मान है, इस बहुपद का 4/3 ऐसा मान है कि अगर x की जगह पर रख दे तो पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। अच्छा एक और कोई लेते हैं, उसको भी निकालते हैं, फिर समझाते हैं उसको, जैसे हो गया 2x - 4, अरे 4 कहां भाग रहा है, x 2x - 4 ये है, अब इसमें बताओ x की क्या वैल्यू रखें, कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि रखने पर पूरा जीरो हो जाए, वो निकालते हैं, चलो बराबर जीरो लगा लो तो 2x = 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, अब 2 को भी उधर लेके जाओ तो x = 4/2 कट के आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब देखो इसके लिए 2 ऐसा नंबर है, 2 यानी कि x की जो वैल्यू आई है 2, ये ऐसा नंबर है कि अगर यहाँ पर x की जगह पर रख दे तो 0 आ जाता, पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। इसमें इसके लिए भी अगर हम x की जगह पर 4/3 रख दें तो ये पूरा बहुपद हमारा जीरो हो जाएगा। तो बहुपद में जो ये जो चर होते हैं, इन चरों की जो वैल्यू है जो उस पूरे बहुपद को जीरो कर देती है,
उस पूरे बहुपद को जीरो कर देती है, इन्हीं को हम शून्य कहते हैं या जीरोस कहते हैं। ठीक है, और ये जो जीरोस हैं, ये जो जीरोस हैं, अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें, देखो ग्राफ में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स निगेटिव और इसको वाई निगेटिव, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश भी बोला जाता है। तो ये जो जीरोस आते हैं, ये जो हमारे शून्यक आते हैं, ये सभी शून्यक एक्स अक्ष पर मौजूद होते हैं, सभी हमारे शून्यक एक्स अक्ष पर मिल जाते हैं, जितने भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अभी 2.1 में काम आएगा। ये जितने भी शून्यक हैं, ये सभी कहां मिलते हैं हमको, एक्स अक्ष पर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई बहुपद इसके लिए है, हमने इसके लिए, इस बहुपद के लिए एक लाइन बनाया, ये लाइन आ गई। एग्जाम्पल समझ रहे, बनाया नहीं रियल में, हमने एग्जाम्पल से बता दिया ये लाइन है, तो ये लाइन इस बहुपद की इसके लिए है। तो अब बताओ इसके जीरो कितने होंगे, इस बहुपद के जीरो कहां पे कितने हैं। तो देखो ये जो लाइन बनी है, ये लाइन इस एक्स अक्ष वाले को कितनी बार काटी है, इस एक्स की लाइन को, एक्स अक्ष की लाइन को कितनी बार काटी है। तो यहां पर देखो, यहां पर वाई अक्ष को काटा है, इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, इसीलिए इसके शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, कितना होगा, यानी कुछ नहीं, कितने होंगे। ठीक है, तो देखो कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या होगी एक, कितनी हो गई, एक हो गई। आई बात समझ में? अच्छा देखो आगे चलते हैं, अभी आगे समझ में आ जाएगा, जब एक्सरसाइज में जाएंगे। 2.1 बिल्कुल ही इजी है एक्सरसाइज 2.1। अच्छा देखो और कोई टॉपिक, चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1, देखो 2.1 सब लोग अपनी किताब उठा लो, किताब से देख लो, क्योंकि इसको बोर्ड में बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे पहला ग्राफ दिया है, सब लोग देखो, देखो जो हमारे चतुर्थांश है, इसमें जो ऊपर अलग से एक लाइन खींची गई है, इस लाइन को, ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं काट रही, वाई अक्ष को काट रही है। इस क्वेश्चन में यही बताना है कि एक्स अक्ष के लिए वाई के जीरो, मतलब वाई बराबर पी अक्ष जो ग्राफ दिया गया है, इसके लिए एक्स एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या है ज्ञात करना है, पी अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो भैया देखो, पी अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष को देखो जितनी बार काटा होगा उतने शून्यक होंगे। ये जो अलग से लाइन खींची गई है कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटा होगा उतने ही हमारे शून्यक होंगे। तो पहला वाला देखो, तो एक ही बार नहीं काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या जीरो। दूसरे वाले में देखो, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को देखो एक बार काट रहा है, बाकी आगे जाके वाई अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो गई एक। अगले क्वेश्चन में देखो, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक दो, दो बार काटा है, तो इसलिए यहां पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी दो। अगले क्वेश्चन में देखो, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक दो, दो बार काटा है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो गई दो। यहां पर भी एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर चौथे में देखो शून्यकों की संख्या दो है, हमने अभी तीसरा नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक दो तीन, तीन जगह काटा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो गई तीन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का बता दिए, फर्स्ट का थर्ड का तीन शून्य होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो ग्राफ दो छठवां बना, वो पांचवा बना हुआ है, इसमें देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक दो तीन चार, चार बार काटा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। अच्छा क्वेश्चन नंबर छठवां आप लोग करो, कितना आता है, पांच तो करा दिए हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, देखो 2.1 देखो बहुत इजी था, तुरंत हो गया, इसको लिए बोर्ड में मार्कर भी नहीं लगाना पड़ा। अब देखो 2.2 प्रश्नावली 2.2,
2.2 स्टार्ट करना है। अच्छा देखो 2.2 में जाने से पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे, क्वेश्चन जैसे बोल देता है कि हमारे जो बहुपद है, जैसे कोई बहुपद हम बहुपद एक देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद में बोल देता है क्वेश्चन हमको करने के लिए किसके शून्यक और गुणांकों, किसके 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 शून्यक और गुणांकों, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। अच्छा ये जो शून्यक और गुणांक है इनके बीच आपस में कुछ रिश्ता भी होता है, उसी रिश्ते की है हमको जांच करना है, इनके बीच में क्या रिश्ता है, वो क्या सही है कि गलत है, वो हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए देखो कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, अच्छा पहले हम ये जानते हैं कि शून्य तो चलो ठीक है हमको निकालना है, ये गुणांक कहाँ होते हैं, गुणांक क्या है, चलो जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिया है कि नहीं दिया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे हमको निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसे कहते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ए। फिर x के साथ कौन सा नंबर है, b है, तो x के साथ हमारा x का गुणांक हो गया c। और जो देखो लास्ट में होता है ये c, c की वैल्यू रहेगी, ये c हमारा कांस्टेंट होता है यानी कि अचर होता है, यहाँ पर एक नंबर रहेगा वो अचर रहेगा, बात समझ में आई। x स्क्वायर का गुणांक निकालना है, x स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो x स्क्वायर का गुणांक हो गई, x के साथ जो संख्या है वो x का गुणांक हो गई, बात समझ में। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने हमको एक बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, हम मान लेते हैं कि देखो ये हमारा बहुपद है, इसके हमको गुणांक मिल चुके हैं, इसके शून्यक क्या है। अच्छा शून्यक पहचानने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, किसी भी बहुपद की देखो मैक्सिमम घात क्या है, बड़ी से बड़ी घात क्या है, किसी भी बहुपद की बड़ी से बड़ी घात क्या है, दो है कि तीन है, कितनी है कि एक है, बहुपद की जितनी घात होंगी उसके उतने ही शून्यक निकल के आएंगे, ये बात भी ध्यान रखना, जैसे इसकी घात कितनी है, दो है, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, इसके भैया दो शून्यक निकलेंगे। अगर हम लिख दिए होते एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, हमने ये बहुपद लिखा, अब बोला इसके कितने शून्यक निकलेंगे, तो भैया इसकी बड़ी से बड़ी घात क्या है, तीन है, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, इसके तीन शून्यक निकलेंगे। तो अभी हम इसपे कर रहे हैं, देखो इसकी घात क्या है, दो है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे, तो हमको शून्यक तो पता नहीं है अभी, ये पता है अभी नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि माना जो पहला शून्यक है, जो पहला शून्यक है हमने मान लिया वो अल्फा है, हमने पहले शून्यक को अल्फा मान लिया, और दूसरा शून्यक भी कुछ मान लेते हैं कि दूसरा शून्यक हमारा बीटा है, पहला शून्यक अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक बीटा हो गया, तो हमको शून्यक भी मिल गए और इसके लिए गुणांक भी मिल गए। तो अब देखो इनके सत्यता की जांच के लिए सूत्र होगा, अब देखो फॉर्मूला बना रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये पहला फॉर्मूला है। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं शून्यकों का, देखो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है हमारे शून्यक, ये पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक, हमने दोनों शून्यकों को क्या किया, जोड़ा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर, ये क्या है b, क्या है देखो b क्या है, और यहां पर हमारा भैया x का गुणांक b है, सॉरी गलती से वो
सिल गया था x का। देखो x के साथ नंबर क्या b है ना, तो यहाँ पर x का गुणांक b हो गया। तो शून्य को ये देखो यहाँ पर ये b क्या है, b हमारा x का गुणांक है। b क्या यहाँ पे लिखे, x का गुणांक लिखे ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे ये क्या है, ये भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो देखो इसको तो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान, ऐसे याद कर लो, या तो शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या तो ऐसे याद कर लो, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, देखो दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर देखो क्या किए हमने, दोनों शून्यकों का क्या किया, गुणा किया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखो इंटू मतलब गुणा, दोनों शून्यकों का क्या किया, गुणा किया। इसको हम लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, देखो यहाँ पे गुणा किया तो इसलिए लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके बराबर होता है, सी। सी हमने क्या बताया, ये जो सी होता है ये अचर होता है, सी क्या होता है अचर है, तो सी को हम लिख सकते हैं अचर पद बटे ए। ए क्या है हमारा, ए है देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो देखो दो फॉर्मूला बने, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। इनको भैया नोट कर लो क्योंकि इनका बहुत जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में हमारे सिर्फ दो घात वाले क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे हम आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल अगर उनको सॉल्व करेंगे तो उनमें देखो तीन घात वाला भी मिलेगा, इसको हम लोग नोट कर लो, फिर हम तीन घात वाला भी करा देते हैं। तीन घात के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा वो भी लिखा नोट करा देते हैं, ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम सभी क्वेश्चन को आसानी से कर लें। अच्छा अब देखो तीन घात वाला अगर देखें तो तीन घात वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखते हैं, अगर तीन घात वाला बहुपद है तो किस रूप में लिखा रहता है, तो ये लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे यार सॉरी उल्टा कर दिए थोड़ा सा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर कोई तीन घात वाला बहुपद है, अगर कोई तीन घात वाला बहुपद है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, मतलब किस रूप में हम लिखेंगे, मिट गया, ठीक है, इस रूप में लिखेंगे। अब इसमें भी देखो यहां पर x क्यूब का गुणांक होगा a, यहां भी गुणांक निकालना पड़ेगा। तो अब देखो गुणांक तो समझ गए, गुणांक क्या होता है, जिसका गुणांक निकालने के लिए बोले उसके आगे क्या संख्या दिया है। अगर देखो हमको बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या संख्या दिया है, एक्स क्यूब का गुणांक निकालना है तो एक्स क्यूब के साथ क्या संख्या दिया है, एक्स का गुणांक निकालना है तो एक्स के साथ क्या संख्या दिया है, और जो लास्ट में होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा तो पहले गुणांक निकाल लेते हैं, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा भैया, ए होगा। एक्स स्क्वायर का भी निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, बी होगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, बी है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। इसके बाद एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, तो देखो एक्स के साथ कौन है, सी है, तो एक्स का गुणांक हमारा सी हो गया। बात समझ में आई, अच्छा इसके देखो गुणांक मिल गए हमको, इसके बाद हमको शून्यक चाहिए, तभी तो उनके बीच में क्या रिश्ता है बता पाएंगे, गुणांक और शून्यक दोनों के बीच में रिश्ता बताना है, तो हमको गुणांक तो मिल गए हैं, अब शून्यक बताना पड़ेगा, तो शून्यक तो हमको पता नहीं, अभी शून्यक पता नहीं, तो शून्यक मान लेते हैं। माना शून्यक, ये कौन सा नंबर का शून्यक है, ये पहला शून्यक मान रहे हैं, माना पहला शून्यक, पहला शून्यक। देखो पहले बताओ इसमें शून्यक होंगे कितने, इसमें शून्यक होंगे कितने, देखो बड़ी से बड़ी घात कितनी है, तीन है, बड़ी से बड़ी घात कितनी है, तीन है,
इसके कितने शून्यक होंगे, यानी कितने शून्यक मानने पड़ेंगे, तीन शून्यक मानना पड़ेगा। तो हम वही पहले शून्यक को ही मान लेते अल्फा, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा बीटा। तीसरा शून्यक क्या मान ले, तीसरा शून्यक, तो तीसरा शून्यक हमारा मानते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा। पहला शून्यक को अल्फा से मानना, दूसरे को बीटा से, तीसरे को गामा से, और इन्हीं से हम अभी आगे दर्शाएंगे भी जो मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखो गुणांक भी निकाल लिया, शून्यक भी निकाल लिया, तो अब इनके बीच में रिश्ता क्या है, वो रिश्ता के लिए भी फॉर्मूला बनाते हैं। क्या रिश्ता होता है, तो देखो रिश्ता नंबर वन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, ये पहले रिश्ता हो गई, पहला इनके बीच का संबंध हो गया। क्या कि अगर हम तीनों शून्यकों को जोड़ दें, क्या कर रहे हैं देखो, तीनों को जोड़ रहे हैं ना, अगर हम तीनों शून्यकों को जोड़ दें तो ये हमारे एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स क्यूब के गुणांक के अनुपात के, देखो एक बटे में है ना, इसको अनुपात भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर के और एक्स क्यूब के गुणांक के अनुपात के बराबर आ जाएंगे। जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो दूसरा शून्य, दूसरा इनके बीच में संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपान ए, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर हम तीनों का गुणा कर दें, तीनों शून्यकों का अगर हम गुणा कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, जो लास्ट में अचर पद रहेगा, तो इस अचर पद और एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर आ जाएगा। अगर हम क्या कर दें, तीनों शून्यकों का गुणा कर दें तो ये तो अचर पद और एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर रहेगा। तो ये देखो ये तीन फॉर्मूले हमारे हो गए, अगर तीन पद में है बहुपद तो ये तीन फॉर्मूला रहेंगे चेक करने के लिए, हमको उनके बीच की जो संबंध ज्ञात करना है या सत्यता की जांच करना है तो ये तीन फॉर्मूला लगेंगे अगर तीन घात वाला है, और अगर दो घात है तो अभी जो पहले दो घात वाला फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आई, तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। देखो अब एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, हमको द्विघात बहुपद दिए जाएंगे इनके शून्य पहले ज्ञात करना है, और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है, इसके बाद उनके जो शून्य और जो गुणांक रहेंगे उनके बीच में क्या सत्यता है वो भी जांच करना, उनके बीच में रिलेशन सत्य है, मतलब वो हमारा आंसर सही आए कि नहीं। जैसे हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो पहले तो यार पूरा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट था, सही है। देखो पहले तो यार पूरा क्वेश्चन मत जाओ, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि शून्य भी निकालो, उनके बीच सत्यता की जांच भी करो, ये भी करो वो भी करो, तो इतना समय कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक स्टेप समझो, सबसे पहले बोला है इनके शून्यकों को निकालो, सबसे पहले बोला है इनके शून्यकों को निकालो, तो चलो बाकी दुनिया की टेंशन छोड़ो, हम पहले निकालेंगे खाली शून्य, खाली शून्य पहले निकालते हैं। अब शून्य निकालने के लिए क्या करें, कौन सा मंत्र लगाएं, तो भैया कोई मंत्र नहीं लगाना है शून्य निकालने के लिए, कोई मंत्र नहीं लगाना है, गुणनखंड आता ही नहीं, गुणनखंड करना, तो हम गुणनखंड करने वाले हैं, और जिनको नहीं आता है वो देखना बन जाएगा, बहुत आसान होता है गुणनखंड के लिए। हम चलो लास्ट में इक्वल जीरो लगा देते हैं। एक बात ध्यान रखना, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर क्या है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिख रहा है किसी को, कोई नंबर नहीं है तो हम ले लेते हैं वन, कोई नंबर नहीं है तो वन है। अब क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है इस नंबर का, और जो लास्ट में दिया हुआ है कांस्टेंट, इन दोनों को गुणा कर दो, कर दिया दोनों का हमने गुणा कर दिया, कितना आया, आठ आया। अब देखो आगे वाला ले लिया, पीछे वाला ले लिया, बचा कौन, बीच वाला, उसको भी रख लो, क्यों बेचारा रह जाए, दो आया, चिन्हों को भी छोड़ दो, वो सब बैलेंस हो जाएगा।
हमने इन दोनों का गुणा किया रख लिया और बीच वाले को देख लिया। इतना ध्यान रखना कि ये जो बीच में संख्या होती है, ये जो बीच वाली संख्या है, हमको ऐसे दो नंबर खोजना है, ऐसे दो नंबर खोजना है कि अगर उन नंबर को जोड़े या घटाएं, अगर उन नंबर को या तो जोड़ दे या तो घटा दे, अगर जोड़ने घटाने से हमको ये वाला मिल जाए, ये जो बीच वाला पद है, ऐसे दो नंबर खोजो कि जिनको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला मिल जाए, और अगर उनका गुणा कर दे तो ये मिल जाए लास्ट में, जिनका भी ये जो एक और आठ का गुणा करने पर जो संख्या मिली है ये मिल जाए अगर उनको गुणा करें, ये पहले खोज लो। चलो देखते हैं ये जो गुणा करने पर जो संख्या मिली, अगर किसी को मिल गया तो ठीक, हमको नंबर तो आधे लोग को दिमाग में आ गया कि वो नंबर क्या है, जिनको नहीं दिमाग में आया, नहीं समझ में आया कि वो नंबर कौन से हैं, जिनको जोड़ने घटाने पर दो आ जाए, गुणा करने पर आठ आ जाए, तो चलो गुणा करने पर जो संख्या हमको चाहिए थी उसका एलसीएम निकाल लो, इससे तुरंत मिल जाएगा। एलसीएम निकालो, दो से काटो, चार बार में कटा, दो से काटो दो बार में कटेगा, चार को लिख रहा था, दो से काटो दो बार में लिख रहा कटेगा, दो से एक बार में आया। यहाँ पर इन दो संख्याओं को एक साथ कर लो और इसको अलग कर दो, यानी दो गुणे दो काम चार, सॉरी दो गुणे दो काम दो, इन दोनों को एक साथ कर दिया, इसको अलग कर दिया, अब ये दो दूनी हो गया चार और दो। अब बताओ वो संख्या मिली कि नहीं मिली, वो संख्याएं कौन है जिनको जोड़ने घटाने पर मिल जाए ये बीच वाली और गुणा करने पर ये मिल जाए, वो संख्या है चार और दो। अगर चार से दो घटा दो तो मिल जाता है दो, अगर चार से दो का गुणा कर दो तो मिल जाता है आठ, संख्याएं मिल गई, बात समझ में आई। अब क्या करना है, इसके बाद संख्याएं तो मिल गई, इस एक को जादू से गायब कर दो, ठीक है। इसके बाद ये तो सबसे आगे संख्या रखी हुई है, इसको वैसे ही नोट कर लेना, जो तो सबसे आगे संख्या रखी है इसको नोट कर लेना, जो तो सबसे पीछे है इसको नोट कर लेना, तो फिर और क्या करें, वैसे तो उतार दिया अभी, अब चेंज क्या करना है। देखो ये जो संख्या खोजे हो, अब बताओ इनको जोड़ने पर ये दो मिल रहा है कि घटाने पर मिल रहा है, इनको जोड़ने पर दो मिल रहा है कि घटाने पर मिल रहा है, ये बात बताओ कि भैया अगर चार से दो अगर जोड़ने पर तो छह हो जाएगा, अगर घटाएंगे चार में दो घटाएंगे तब ना दो आएगा, यानी इन दोनों को घटाना पड़ेगा, है ना। तो घटाने के लिए हम इनको ब्रैकेट में चार से अगर दो घटाते हैं तो दो आ जाता है। अब ये जो इतना लिख दिए, इसके बाद देखो इस दो के साथ एक्स भी तो है, तो इस एक्स को भी लगा दो लास्ट में, इसके आगे माइनस भी तो था दो के, तो यहां पर माइनस भी लगा दो। इन दोनों संख्याओं को देखना, जोड़ने पर अगर आ रहा हो तो यहां जोड़ने पे रख देना, अगर इनको घटाने पे आ रहा हो कि बीच वाली संख्या मिल रही हो, जोड़ने पर मिले तो यहां पर जोड़ के रख देना, घटाने पर मिले तो देखो देखो हमने घटा के रखा ना, वैसे घटा के रख देना। अब इसको सॉल्व करो, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो आगे वाला तो ऐसे ही नोट हो जाएगा। इसके बाद देखो इस माइनस का अंदर गुणा होगा दोनों में, साथ में एक्स का भी होगा, तो माइनस का चार से करोगे तो माइनस चार, एक्स का भी गुणा होगा तो माइनस चार एक्स, अब माइनस का माइनस से करोगे तो आ गया प्लस, ये आ गया दो, एक्स से करोगे तो एक्स माइनस आठ, ये बराबर जीरो तो छूट रहा है, पीछे तो भाग रहा है, हुआ यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो हमारा सबसे मेन काम यहीं पर है करना है संख्याओं को इनको रखने में, कि जोड़ने पे आ रहा है कि घटाने पे आ रहा है, और इन्हीं संख्याओं को खोजने पर, अगर तुमने ये संख्याएं खोज लिया तो समझो आधा विश्व युद्ध जीत लिया, इस क्वेश्चन में जो विश्व युद्ध हो रहा है आधा जीत लिए। अब यहां तक करने के बाद क्या करना है, सीधे दो दो के पेयर बना लो, जोड़ा बना लो, दो दो के जोड़ा बना लो, इन जोड़ा में से देखो कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही हो, कुछ ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर यानी दो बार एक्स है, यहां पर फोर एक्स है ना, तो एक बार हम दोनों से एक्स कॉमन ले सकते हैं ना, तो चलो ये दोनों से एक्स कॉमन ले लिए। यहां पे बचा क्या, यहां देखो एक्स स्क्वायर यानी दो बार एक्स था, एक बार एक्स हमने निकाल लिया तो एक एक्स तो बच गया, माइनस यहां पर क्या बचा, देखो फोर था और एक्स था, तो हमने एक्स तो निकाल लिया, बचा कौन, चार बचा। अब यहां से भी वैसे ही कॉमन ले लो, दो एक्स माइनस आठ, इन दोनों से देखो कोई ऐसी संख्या जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे,
दोनों को काट दे, वो चर भी हो सकती है अचर भी हो सकती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x है मगर इसके साथ x नहीं है, तो हम कॉमन x नहीं ले सकते। जिसको कॉमन ले रहे हो वो दोनों में होना चाहिए। जब नहीं है तब क्या देखें भैया, ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट रही है? हाँ दो, क्योंकि दो से दो भी कट जाएगा, दो से आठ भी कट जाएगा, तो दो मिल गया ना। तो अब यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर दो निकाल लिए तो बचा क्या भैया, दो एक्स में दो से भाग दिए, दो दो मर गए कट गए, बचा क्या एक्स बचा माइनस। अब आठ में भी दो से भाग दो, कॉमन लियो ना, मतलब उतने से भाग दे दिए। तो आठ में दो से भाग दिए कितनी बार में गया, द्वि चर को आठ, चार बार में गया, यहाँ चार बच गया, बच गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी अपना चेक हो जाता है कि हमने सही किया है कि गलत। अगर ये ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं दोनों सेम हैं, चिन्ह सहित, चिन्ह को छोड़ना मत, अगर चिन्ह सहित दोनों संख्याएं सेम हैं ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है, तो हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन अभी सही कर रहे हो। अब क्या करना है इसके बाद, देखो दोनों ये तो सेम हो गए, जब ये दोनों सेम है तो दो दो टुकड़े रखो, इनको एक ही रखो, दो मत रखो एक ही रखो। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या रखें, तो भैया ये जो कॉमन लेने पे मिल रहे थे ना, इनको रख लो दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में दोनों में से एक रख लो, दूसरे ब्रैकेट में तो कॉमन लेने पे मिले इनको रख लो, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हो गया, यहां तक बन गया सबसे। इसको नहीं समझ आया है एक बार वीडियो पीछे करो फिर देखो। अब यहां से देखो हमको शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने में कोई बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है, इन दोनों ब्रैकेट को उठाना, एक साइड लिखना x माइनस फोर को और दूसरे साइड लिखना x प्लस टू को, दोनों की तुलना कर देना जीरो से। इसके बाद x को एक तरफ करो, मतलब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, पक्षांतर कर लो। देखो x इधर है तो चार को उधर भेज दो, तो x बराबर ये चार माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, x का मान कितना आया चार आया, यहां से भी x का मान निकालो तो दो उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर गया माइनस में। x का मान देखो क्या मिला, x का मान यहां से मिला चार, यहां से मिला माइनस दो, x की दो वैल्यू मिली। यही हो गए भैया हमारे x के इस समी इस बहुपद के लिए शून्य, इस बहुपद के लिए हो गए ये क्या शून्य, क्या चार और माइनस दो, शून्य निकल के आ गया, शून्य हमारा इस बहुपद का निकल के आ गया। पहला पार्ट सॉल्व, उसने बोला था शून्य निकालो, शून्य निकाल लिया। अब बोला था शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो, शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो, हमने शून्य तो निकाल दिया, बचा क्या गुणांक, गुणांक बचा निकालने के लिए, तो चलो गुणांक भी निकाल देते हैं इस समीकरण के लिए। देखो किसको, किस बहुपद के लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है और एक्स का गुणांक निकालना है, और तो कोई हमारा वेरिएबल है नहीं, एक तो एक्स स्क्वायर है एक एक्स है, तो इन्हीं दोनों के निकलेंगे गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, कोई नंबर नहीं है यानी वन। फिर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स के साथ क्या नंबर है, दो है, गलत है। x के साथ गुणांक, x के साथ नंबर क्या है, अगर कहोगे भैया दो है तो फिर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस दो के आगे माइनस भी बैठा है, इस दो के आगे माइनस भी है, यानी x का गुणांक क्या है भैया, माइनस दो है। x का गुणांक क्या है, माइनस दो है। तो हमको दोनों गुणांक मिल गए, लेकिन गुणांक मिल गए। अब इसके बाद ये जो शून्य है, हमने अभी जब इनके बीच फॉर्मूला पढ़ाया था सत्यता की जांच के लिए, तो हमने क्या बताया था, किससे दर्शाएंगे हम अपने शून्यकों को, किससे दर्शाएंगे अभी बताए थे। तो भैया पहले शून्य को हमने किससे माना था, अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, फोर हो गई। पहले शून्य को अल्फा से दर्शाए थे, यानी अल्फा की वैल्यू फोर। अब दूसरे शून्य को बीटा से दर्शाए थे, तो बीटा की वैल्यू माइनस टू। अब इनके सत्यता की जांच के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यही फॉर्मूला था। इस पे वैल्यू रख देते हैं, दोनों साइड को चेक करो सॉल्व करके, क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फा की वैल्यू फोर प्लस बीटा की वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू इक्वल टू, देखो माइनस पहले फॉर्मूला में है तो माइनस बी। अच्छा यहाँ पे बी में कंफ्यूज हो जाओगे,
कि जहां पर a की वैल्यू ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है या गुणांक है, इसको a बोलते हैं या इसको b बोलते हैं, किसको a बोलेंगे किसको a बोलेंगे किसको a बोलेंगे। तो एक क्रम से a b c d आती है ना, पहले वाले को बोलते हैं a, दूसरे को b, तीसरे वाले को c। तो सबसे आगे वाला गुणांक आएगा यानी स्क्वायर वाले का जो गुणांक रहेगा ठीक है उसको बोलेंगे a, और उसके पीछे मतलब उससे कम घात वाले का जो गुणांक रहेगा वो b, और कांस्टेंट वाले को c, c फॉर कांस्टेंट। तो b क्या है, b देखो होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है माइनस दो। यहां समझना फॉर्मूले में भी माइनस है और गुणांक में भी माइनस है, तो माइनस दो बटे a, a क्या है ये देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया हमारा एक। अब इनको सॉल्व करें तो चार प्लस माइनस का गुणा माइनस दो बराबर माइनस माइनस प्लस का दो बटे एक, चार से दो जाएंगे दो, एक में दो में एक से भाग दोगे तो आएगा दो, दोनों साइड इक्वल यानी पहली हमारी शर्त का पालन कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, यही थी। तो यहां पर देखो अल्फा का मान कितना है चार है, बीटा का मान कितना है माइनस दो है, बराबर सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू देखो माइनस आठ, सी की वैल्यू है माइनस आठ बटे ए की वैल्यू क्या है ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए की वैल्यू हो गई हमारी वन, तो वन रख दो, चार का दो से गुणा करो चार दूनी आठ, इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, बराबर माइनस आठ में एक से भाग दोगे माइनस आठ आ गया, दोनों साइड हमारा आंसर क्या आ गया, दोनों साइड की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। जब दोनों साइड की वैल्यू सेम है तो भैया हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व, ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, हमने सत्यता की जांच कर दिया, दोनों साइड का बराबर है, यहां भी देखो दोनों साइड बराबर, यहां भी दोनों साइड बराबर। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, चलो समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, जिनके नहीं समझ में आया तो रिवाइज हो जाओ एक बार।